ताकि उसका भी सोल्यूशन आपको कर देंगे। यदि सेम क्वेश्चन है तब तो कोई बात नहीं, जिसका केस सेट होगा उसका तो सीरियल वाइज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और जिसका केस से अलग सेट होगा उसका उल्टा पुल्टा होगा, वो आंसर आप देख लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए ये पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है, पहला क्वेश्चन अलजेब्रा से है। ये कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 33 है अलजेब्रा का, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 बराबर 17, x प्लस 1 बराबर, तो इतना का मान ज्ञात करें। तो आपको मान ज्ञात करना है, इसका ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो निश्चित रूप से स्क्वायर का स्क्वायर करके सॉल्यूशन करेंगे टाइम लगेगा, लेकिन आपको फास्ट सॉल्यूशन करना है। फास्ट सॉल्यूशन हीट एंड ट्रायल से होता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन फास्ट सॉल्यूशन हीट एंड ट्रायल से होता है। एक्स और वाई का ऐसा मान लीजिए, सबसे पहले यहां से आइए कि एक्स और वाई का मान ऐसा लीजिए जिससे कि एक हो जाए, तुरंत आपका दिमाग में जाएगा कि एक्स का मान हम लेंगे 2 और वाई का मान -1 ले लेंगे तो 1 बन जाएगा। 1 बनाना है हर हालत में। अब आप देखिए क्या इसको लेने से ये 17 बनता है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसका मतलब 100% एक्स का वाई का मान सत्य है। एक्स का मान यदि 2 लेते हैं, 2 पर पावर 4 क्या होगा, 16 होगा, और वाई का मान -1 लेते हैं, -1 पर पावर 4, देखिए सम संख्या होने के कारण, पावर सम संख्या होने के कारण माइनस भी प्लस हो जाएगा, इसलिए -1 पर पावर 4 का वैल्यू 1, और 16 1 17, इसका मतलब सेटिस्फाइड है। इसका मतलब x का मान 2 ही होगा और y का मान -1 ही होगा। तो यहां पर रख दीजिए x का मान, तो x का मान -2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 1 -1 का स्क्वायर -2 गुना 2 -1, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 1 4, और ये देखिए यहां पर माइनस है, ये भी माइनस है, ये 2 दूनी 4 और गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी आंसर आपका 8 हो जाएगा। जो भी 8 दिए है उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा। देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक का था, ये सब का कोई चांस नहीं, इस सब में कोई चांस नहीं बनता है एक से अधिक का। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, कितने वर्षों में इतना रुपया 8% दर से दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो साधारण यहां दुगना का बात कर रहा है, मूलधन से कोई मतलब नहीं है, मूलधन से कोई मतलब नहीं है, मतलब दुगना का मतलब होता है यदि आपका मूलधन 1 है और दुगना यानी 2 हो जाता है, तो इस प्रकार ब्याज आपका 1 बनता है, ब्याज आपका 1 बनता है। तो ब्याज बराबर बताए हैं 1 बराबर ब्याज बराबर पी का आरपी परसेंट, पी का आरपी परसेंट, आरपी परसेंट, बस यही लगा देना है आपको, निकल जाएगा टी। तो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 होगा, तो 4 दुनी 8 25 चौका 100, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ना 25 गुना 25 2 से भाग हो जाएगा, 25/2 यानी 12.5 वर्ष, क्या होगा 12.5 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है ये आप देखेंगे, यदि आप पढ़े होंगे आरएस अग्रवाल, ये क्वेश्चन सेम मिलेगा। 31/25 इसका वैल्यू है पता है, 31/25 पता है किसका वैल्यू है, 5 पर पावर 5 का। अरे अनुमान लगा लीजिएगा इसको देख करके भी, यहाँ 5 है जरूर 5 आएगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 पर पावर ही 5 होगा। तो ये 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है, 5 में से 1 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 5 पर पावर 5, और इधर जो पावर है वो पावर को गुना कर दीजिए, वो पावर को गुना कर दीजिए, ये 5 और 5 फ्री फोकट में चला जाएगा, और इस दशमलव को हटा दीजिएगा तो क्या होगा, नीचे 10 होगा, तो 5 पर पावर 10 और ये पावर -2। इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए इस बेस को उलटना पड़ता है, पावर बेस माइनस से प्लस बनाने के लिए बेस को उलटना पड़ता है, उलट दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 10/5 और पावर 2 कटा दीजिए, 5 दूनी 10, अब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया आपका 4, जो भी 4 लगाए हैं उसका 4 सही है। ठीक है, 4 आंसर सही है।
चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है बड़ा छोटा का। बड़ा छोटा सही करना है कि हम बताए थे कि बड़ा छोटा हर एग्जाम में आता है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, अंतर सबसे पहले सबका अंतर कर लीजिए। अंतर देखिए इसका कितना है, 31 36 5 का। इसका अंतर कितना है, 1 का। इसका अंतर कितना है, 1 का। इसका अंतर कितना है, 2 का। तो अंतर का एलसीएम ले लीजिए, अंतर का एलसीएम ले लीजिए। अंतर का एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उस अंतर से एलसीएम में भाग देके ऊपर गुना कर दीजिए। अंतर से एलसीएम में भाग देके ऊपर गुना कर दीजिए, तो देखिएगा 5 दुनी 10, 2 में 31 62, से भाग दीजिए 10 में, 1 से भाग दीजिए 10 में 10 आएगा, 10 से गुना कर दीजिए 17 में 170, 1 से भाग दीजिए 10 में 3 गुना कर दीजिए इसमें 90, 2 से दीजिए 10 में 5, 2 है ना 43 रुपए, 2 से भाग दीजिए 10 में 5, 5 से गुना कर दीजिए यहां 15, 5 चौक 20 से 21। तो ये अब आप ऊपर देख करके बता सकते हैं, ये ऊपर देख करके ये बता सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। जो आया उसी से आप बता सकते हैं छोटा बड़ा कौन है। तो सबसे ये तो देखने में लग रहा है ये दो गो सही है, ये सबसे दो नंबर पर ये होना चाहिए, 3 नंबर पर ये होना चाहिए, और 4 नंबर पर ये होना चाहिए। ऑप्शन देखिए कहां पर है, 1 नंबर तो खैर गलत हो चुका है, वो सटीक नहीं है, है ना, बढ़ते क्रम में वो नहीं है, होगा 31 36, ये वाला तो गलत ही है, 31 36 यहाँ है, उसके बाद ये भी सही है, उसके बाद ये लास्ट में ये बिल्कुल सी नंबर सही है आपका, बिल्कुल सी नंबर सजा हुआ है, है ना, सी नंबर सजा हुआ है, हाँ ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद निवास समन, सही है। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए आप देखेंगे घातांक कर्मी का, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको आर्यश अग्रवाल में, आर्यश अग्रवाल में देखेंगे सेम क्वेश्चन होगा, और बहुत को तो आंसर भी याद होगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर दशमलव में है, इसको भी भाग देके दशमलव में बना लीजिए, 1 में 2 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.2 होगा, 1 में 5 से भाग देंगे 0.2 होगा, अब पावर 3x है ही पहले से। 8 को भी बना लीजिए, 8 को क्या बराबर पावर कर दीजिए बराबर 3x बराबर 3, एक्स का मान क्या हो गया, 1 हो गया, एक्स का मान 1। अब एक्स का मान यहाँ रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर रखिए और आंसर आपका तैयार है। अरे एक्स का मान 1 रखिएगा, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है इसलिए फटाफट देखते जाइए। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, इनके बीच का अंतर 264 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, अंतर बराबर अंतर लगा दीजिए, अनुपातिक अंतर है 25 में, 25 में 14 घटा दीजिए, 25 में 14 घटा दीजिए 11 अनुपात आ जाएगा, और भाग दे दीजिए इस अंतर में, अंतर बराबर अंतर से बना लीजिए इसको, 11 दुनी 22 11 44। अरे भाग दीजिएगा ना, भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, भाग दीजिएगा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 24। अब कहता है छोटी संख्या, तो 24 को छोटी संख्या से गुना कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 14 चौका 56 5, 14 दुनी 28 23 33, यानी 336 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक कमरा 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। ये आर्यश अग्रवाल की, और फिर से एक बार क्षेत्रमिति का है ये, है ना, आर्यश अग्रवाल का। अरे विकर्ण होता है, सबसे अधिक जो लंबा रखा जाता है ना वो हमेशा विकर्ण निकलता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण का सूत्र होता है। रख दीजिए 8, रख दीजिए 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो क्या होगा 64 36 100। अरे जोड़िए ना कितना होगा, 74 10 इधर 200 हो गया,
200 का रूट निकलेगा, 200 का रूट कहिए 100 होगा 200 का रूट कितना होगा, अरे 200 का रूट निकालिएगा 2 × 100, 2 × 100 और 10√2। अरे अभी तक जो सेशन को लाइक शेयर नहीं किए हैं, जरा एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, यदि भूल गए हैं तो शेयर कीजिए, जम के कीजिए, ताकि अधिक से अधिक को पता चल जाए कि एनालिसिस हो रहा है, एसके टीचिंग सेंटर में एनालिसिस चल रहा है, लाइव क्लास लाइव एनालिसिस चल रहा है 6 to 8 का, ठीक है। शेयर लाइक कर दीजिए, और जो नए आ चुके हैं इस चैनल पर, हर सेट का एनालिसिस होगा, जरूर सब्सक्राइब लीजिए ताकि तुरंत आपको पता चल सके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एक प्राकृत संख्या है जो 6 × (-5)/n हमेशा 7 समाप्त होता है, केवल लैंग्वेज में उलझा रहा है, कुछ नहीं, एन का मान 1 रखिए। एन एक प्राकृत संख्या है, एन का मान 1 रखिए का क्या कहता है, एन का मान ऐसा कुछ क्या रखिए तो हमेशा 7 समाप्त होता है, यानी हमेशा इकाई अंक एक ही आता है, एक जैसा ही आएगा, तो आप कुछ रखिए एन का मान हमेशा एक ही आएगा, हमेशा एक ही आएगा। तो एन का मान क्या कहता है, देखिए यहाँ एन का कुछ भी रखिए, 6 − 5 एक रख देते हैं पहले, क्या होगा 1, चलिए आंसर 1, 2 भी रखिएगा वही होगा 36 25, ठीक है 36, क्योंकि 6 का इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, 6 का पावर कुछ भी रख दीजिए इकाई अंक नहीं बदलता है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का इकाई अंक भी कहीं नहीं बदलता है, इसलिए 6 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा और लास्ट में 1 1 ही रहेगा, इसलिए ये हमेशा 7 समाप्त होगा 1, यही कहता है, केवल समझने का फेर है, समाप्त होगा 7 में 1, समाप्त मतलब इकाई अंक, समाप्त मतलब इकाई अंक। अगला क्वेश्चन, एक बेलन एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 4 दिया हुआ है और उनकी ऊंचाई क्या क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है बेलन और शंकु का, तो कहता है आयतन का अनुपात ले लीजिए, बेलन का आयतन होता है आर स्क्वायर, ये ले लीजिए बेलन का आर स्क्वायर, एच एच यहां पर है 2 से गुना कर दीजिए, बेलन शंकु 1/3 पाई, इसका आर ये एच इसका ये ले लीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ऊपर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 × 9 = 18, 9 × 2 नीचे 4 का स्क्वायर 16, 2 × 8 = 16 क्या बच गया 9/8, यानी 9:8 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ई, सॉल्यूशन यदि सही हो तो ई देने में नहीं डरना चाहिए, सॉल्यूशन सही हो तो ई डरना नहीं चाहिए, नहीं तो धोखा देगा, कहीं गलती तो नहीं हो गया मेरा, नहीं दूसरा तो नहीं होगा, शंका हो जाता है ई आने में, है ना, तो फिर भी है ना, क्योंकि एग्जाम में बैक होने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए जो भी कीजिए सही से करते जाइए, गलत हुआ गलत देते चले जाइए, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये है त्रिभुज एबीसी सी पर समकोण है तो कॉस ए प्लस बी, देखिए क्या कहता है, एक त्रिभुज बनाते हैं कहां पर समकोण है, सी पर, यहां सी पर समकोण है एबीसी, ऐसा बनेगा, यहां जब 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब है ये यदि 90 है ये दोनों एंगल का योग 90 होगा, कितना हो नहीं जानते हैं लेकिन योग 90 होगा, तो यहां पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी, क्या पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान 90 रख दीजिए, ए प्लस बी का मान 90 रख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्या होगा 0 होगा, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, 0 ही होता है ना, हाँ कॉस 90 0 होता है, ठीक है चलिए 0 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है, यदि एक आदमी को इतना रुपया उसने लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो अंकित मूल्य क्या है,
यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये भी लाभांश है, अरे प्रतिशत ही है ये, खाली लाभांश जोड़ दिया, ये शेयर लाभांश चैप्टर का नहीं है, ये खाली डरने के लिए स्टूडेंट को देख रहे हैं दिया हुआ है 8% लाभांश, 8% लाभांश दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना रुपया लाभांश के रूप में, पर ये भी लाभांश दिया हुआ है, लाभांश लाभांश बराबर कर दीजिए ना, लाभांश से लाभांश को बराबर कर दीजिए, वो अंकित मूल पर ही हो रहा है, एमपी पर ही हो रहा है, 9% बराबर, सॉरी एमपी 8% बराबर 28.40, प्रतिशत हटाइए, 2 को 0 उधर दीजिए, 8 या 24, 8 या 24, 8 पचे 40, 8 पचे 40 35,500 हो जाएगा, 35,500 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एक भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, यानी इसका भी आंसर आपको ई नंबर ही ठोकना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 4:9 है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं सिर्फ स्क्वायर करना है, यदि भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल है तो सीधा स्क्वायर ठोकना है, यानी 16:81। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं, कहता है एक वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं, यहां पर एक केंद्र है, और ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये PA, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, APB 50 है, APB ये वाला 50 दिया हुआ है, और निश्चित रूप से ये जब हम इस पर त्रिज्या ठोकेंगे, ये यहाँ पर त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये हो गया 50, ये चतुर्भुज में एक, ये चतुर्भुज हो गया ना, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये 90 90 180 तो हो गया, इसका मतलब आमने सामने भी 180 होगा, इस प्रकार ये 130 होगा, ये 130 होगा। अब पूछता क्या है, पूछता है OAB, पूछता है OAB, O यहां था AB, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा, OAB ये वाला कौन मांग रहा है, अरे ये त्रिज्या है, त्रिज्या के आधार पर का कोण बराबर होता है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, त्रिज्या हमेशा सम होता है, ये कौन सा मान होगा, और ये वाला 130 है, ये 130 है, ये दोनों कितना कितना होगा, जो तीनों का योग 180 हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर ये 25 यदि हो जाता है तो 25 25 50, 130 180 हो जाएगा, मतलब 180 में 130 को घटा करके जो आएगा उसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर बराबर होगा, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। समझ में आ रहा है सबको, एकदम समझ में भी आना चाहिए और आंसर भी मिलना चाहिए, आंसर फटाफट मिलाते जाइए कितना सही कितना गलत हुआ है। कहता है दो पासा को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता क्या है, दो पासा, अरे छक्का फेंकते है ना, तो 10 आना चाहिए जोड़ करके, 10 आना चाहिए जोड़ के, कहिएगा कि 10 कैसे आएगा, 4 6 आएगा, 10 होगा 4 6, और फिर 6 4 इसका उल्टा एक और होगा, 8 कहां से आया पासा में जी, पासा में 8 होता है क्या, पासा में 8 होता है, 5 5 5 5, और ऐसा कोई कहां है जो कि जोड़ करके 10 बन जाए, 3 है टोटल, टोटल दो पासा जब फेंकते हैं, दो पासा जब फेंकते हैं तो कुल कितना संभावना बनता है, तो दो पासा, एक पासा में 6 तो दो पासा में 2 पर पावर 6, यानी 36 6 6 6, गलती गलती नहीं नहीं 2 पर पावर 6 नहीं, ठीक क्या हो गया, देखिए कुल हो गया कितना, उल्टा बोल दिए, 2 पर पावर 6 नहीं, 6 पर पावर 2 होगा, यानी एक पासा में 6 और दूसरा पासा में भी 6 6 6 36, टोटल 36 स्थिति होगा, और 36 स्थिति में एक हो गया 5 5, दूसरा 4 6 और 6 4, तीन स्थिति, ये तीन स्थिति है, तो
प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होता है प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होता है ये टोटल यानी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस जो आया है उसको टोटल को नीचे यानी भारतीय 36 एक बटे 12 हो जाएगा, एक बटे 12 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है 25 मीटर ऊंची चट्टान, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है, आधार के अवनमन कोण के बराबर है। देखिए क्या कहता है, कैसे बनाएंगे, एक बनाइए टावर, एक बनाइए चट्टान, एक टावर बनाइए एक चट्टान बनाइए। यहां से ध्यान से, एक चट्टान के शीर्ष से, शीर्ष से, शीर्ष इसका यहां है चट्टान का, एक टावर का उन्नयन कोण, टावर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण, तो यहां पर ऐसे मिला दीजिए, जहां से रहता है वहां एंगल बनता है, जहां से रहता है वहां एंगल बनता है, इसका कहता है ज्ञात करने के लिए उन्नयन कोण क्या, जो टावर के आधार के, टावर का आधार ये है, आधार का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण यहां पर जब बनेगा, अवनमन कोण ये वाला होता है, कहता है बराबर है, ये भी थीटा है, अरे दोनों कोण थीटा है, ध्यान दीजिएगा, समान कोण के सामने वाली भुजा समान होता है, यानी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है ये जो है दोनों बराबर होगा, और ये दिया हुआ है चट्टान 25, ये भी हो जाएगा 25, और बराबर रहने के कारण ये भी हो जाएगा 25, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई पूछता है जो कि 50 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण से है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग जो उसको कि अल्फा प्लस बीटा कहते हैं माइनस बी बाय ए होता है, अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाय ए होता है, तो यदि आप इसको क्या निकालना है, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात निकालना है, माइनस बी बाय ए, ये हुआ माइनस बी, ये हुआ ए, ये हुआ सी, ये ए बी और ये सी, तो माइनस बी बाय ए होता है, तो यहां पर माइनस माइनस बी बाय ए दो, ये हो गया आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल सी बाय ए चार बटे दो, तो दो दो तो थ्री पॉकेट में चला गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, तो क्या हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एकदम तोड़ के रख दिया होगा, है ना, जो भी यहाँ का स्टूडेंट होगा वो तो हिला के ही चल आया होगा, है ना। अरे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन मौखिक बनने वाला है तो कुछ क्वेश्चन टाइम लेने वाला भी होगा, तो मिला जुला रहता है, तभी तो इधर का टाइम उधर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि बिंदु P X Y A 5.1 B माइनस 1.5 के समान दूरी पर है, कोऑर्डिनेट का हो गया ये, कोऑर्डिनेट का है, कहता है तीन बिंदु समान दूरी पर है, तो देखिएगा कैसे, तीन बिंदु समान दूरी पर है मतलब वो समबाहु त्रिभुज के जैसा होगा, P यहां पर लेते हैं, A यहां पर लेते हैं, B यहां पर लेते हैं, मिला देंगे इसको, ये भी तीनों बिंदु कहता है समान दूरी पर है, यानी एक तरह से समबाहु त्रिभुज, तो कोऑर्डिनेट का एक फॉर्मूला होता है दूरी का, जब दूरी समान हो तो दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट पहले x वाला ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, जब दोनों का दूरी बराबर हो, ये दूरी बराबर होगा, रूट नहीं भी देंगे तो चलेगा, रूट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि दोनों बराबर करना है, रूट रूट खत्म हो जाएगा, तो यही सूत्र पर बैठा दीजिए, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है xy,
ये पॉइंट दिया हुआ है 5 एक और ये पॉइंट दिया हुआ है माइनस एक और 5। चलिए दूरी बराबर करना है, दूरी बराबर करना है, ये सब क्या है थोड़ा सा टाइम खींचेगा और उधर आसान भी तो था तो मैनेज किया हुआ रहता है। x2 कौन हुआ, ये किसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसको जिसको मानिए, x माइनस 5 का होल, अरे होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ निगेटिव भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर दोनों को x स्क्वायर, ये वाला माइनस सूत्र वाला माइनस प्लस, फिर माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसमें इसको घटा के होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए फटाक से, सॉल्यूशन कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर माइनस 2ab 10x प्लस 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2i प्लस 1 बराबर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 2ab माइनस 10y प्लस 25। ठीक है, देखिए कुछ कुछ करता है क्या, करता है तो करिए तो जरा पढ़िए, अरे एक्स स्क्वायर बराबर के दोनों तरफ है ये कट जाएगा और वाई स्क्वायर भी बराबर के दोनों तरफ है ये कट जाएगा और 25 भी बराबर के दोनों तरफ है 25 भी कट जाएगा और एक भी दोनों तरफ है ये भी कट जाएगा। अब लगता है नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे तो माइनस 10 मैं 2x घटा दीजिए तो माइनस 12 होगा, 8 इधर आएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा बराबर, ठीक है, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस होगा और माइनस ही पहले से माइनस 12 हो जाएगा, इसके बाद ये 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये है माइनस 10 तो माइनस 10 और प्लस 2 यानी ये हो जाएगा माइनस 8y, हटा दीजिए, चार तिया 12 और 4 दूनी 8 माइनस भी खत्म हो जाएगा, बराबर रहता है रेशियो उलट, अच्छा रेशियो नहीं बनाना है, सॉरी रेशियो नहीं बनाना है, 3x बराबर 2i, 3x बराबर 2i रिलेशन लेना था, डी नंबर थोड़ा सा हल्का टाइम लेने वाला है तो कहीं टाइम कहीं तो लेगा ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दो है, एक शून्यक दो है, एक शून्यक का मतलब होता है x का मान, शून्यक का मतलब होता है x का मान दिया हुआ है अल्फा और बीटा, शून्यक कहते हैं x के मान को ही शून्यक कहते हैं, तो x का मान एक दो एक दिया हुआ है दूसरा का निकल जाएगा, x का मान रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के बराबर 0 शून्य आएगा, क्या होगा यहाँ 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 10 के बराबर माइनस 10 आया, के बराबर माइनस 10 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखा खंड को 3:7 विभाजित करता है तो विभाजन बिंदु बनाते समय भाग होते हैं, जो रेशियो का योग होता है यही कुल भाग होता है, रेशियो का कुल योग ही कुल भाग होता है यानी 7 × 3 = 10 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंद में 8 बार बाउंड्री लगाता है, बाउंड्री जानते ना, बाउंड्री चौका कहता है, जब 40 गेंद खेलता है तो 8 वो चौका में ही भेजता है, तो कहता है बाउंड्री ना लगाने
लगा पाने की प्रायिकता क्या है, चाहे वो एक्का बनावे, चाहे दुक्का बनावे, चाहे कोई रन बना, माने बाउंड्री नहीं लगना चाहिए। तो क्या होगा, तो 8 बार में बाउंड्री लगा तो बाकी 32 बार में इसका मतलब नहीं लगा होगा। उसी का कहता है प्रोबेबिलिटी कीजिए, तो जो मिलेगा वो उसको ऊपर कर दीजिए, जितना बार नहीं लगा, जो पूछता है वो ऊपर होता है, जो लगाने वाला 32 और टोटल को नीचे, 8 चौक 32, 8 पचे 40, यानी ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान क्वेश्चन, यहाँ टाइम बचाया कि नहीं बचाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए इतना पर तोरण से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं तो डेटा का माध्यिका क्या होगा। अरे डेटा का माध्यिका होता है जहां कटता है ये बिंदु, जो जिस अक्ष पर काटता है ना उसी को एक्स अक्ष पर काटता है। एक्स का ही वैल्यू जो होता है वो हमेशा माध्यिका होता है, इसमें एक्स का ही वैल्यू माध्यिका होता है। विघात में ये जब तोरण का हिसाब आए और काटे तो ये हमेशा जो है एक्स का मान ही माध्यिका होता है, याद रखेंगे। इसलिए ये भी आपको टाइम का बचत करेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, ये भी देखिएगा आरएस अग्रवाल का सेम प्रॉब्लम है। क्या दिया है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि का सूत्र होता है 2πr और त्रिज्या का सूत्र होता है त्रिज्या r, इसका अंतर दिया हुआ है 37। r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लीजिए और 2 × 22/7 + 1 = 37 होगा। तो r गुना इसको घटा 37/7 आएगा, ये 37 हो गया, 37 कट गया, r का मान कितना निकला, r का मान 7 निकल गया, r का मान 7 निकल गया। अब क्या, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि बराबर निकाल दीजिए, परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr कितना हुआ, बस दुनी 44 हो गया, यानी आपका आंसर 44 बन गया। अगला क्वेश्चन है, समीकरण की जोड़ी x बराबर a, y बराबर b द्वारा रेखाओं को प्रतिनिधित्व करती है जो इतना इतना पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतना इतना पर संपाती होगा, एक समांतर होगा। देखिएगा ये जो है ना ग्राफ, ये ग्राफ कहता है x बराबर a, यानी x को a पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे x पर a को प्रतिच्छेद इस तरह से करता है, और y बराबर b कहता है, y कहीं न कहीं b पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये y b तो इसका ऐसे लाइन जाता है, y बराबर b, ये हुआ x बराबर a। तो कैसे इसको लिखते हैं, अरे x पहले किसका लिखा जाता है, पहले x वाला का लिखा जाता है, यानी आप इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे a और b, a और b, a और b पर प्रतिच्छेद करता है, ये उल्टा कहिएगा b a है, b a नहीं, पहले a को लिखा, x अक्ष का लिखा जाता है, y का नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर e, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर e हो जाएगा। अगला है, यदि m पर पावर n, चलिए बनाइए जरा जल्दी बना के भेजिए, m पर पावर n बराबर 32 दिया है, एम एन का मान क्या क्या होगा, अरे एम एन का ऐसा मान खोजिए जो कि आपको 32 ला देगा, एम एन का ऐसा मान खोजिए जो कि आपको 32 ला देगा, जरा बताइए आंसर, जरा बताइए आपको आंसर का, तो टाइम नहीं दे रहे आप लोग को, है ना, आप लोग को तो टाइम हम दे नहीं रहे सॉल्यूशन करने का, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये जो है फास्ट सटीक सॉल्यूशन वाला आज का क्लास है, एनालिसिस चल रहा है, इसलिए टाइम नहीं दे रहे, इसी बीच में जिसको देना है देते रहिए। तो बन गया इसका आंसर क्या हो गया, तो देखिए m पर पावर n, अरे 32 लाना है आपको, 32 पता होना चाहिए कि m पर पावर n के लिए 2 × 5 32 होता है, मतलब m का मान 2 हो गया और n का मान 5 हो गया। इस प्रकार से अब कहता है n पर पावर mn, तो n कितना हो गया, n हो गया आपका 5, n कितना हो गया 5, mn m गुना n यानी 2 गुना
तो क्या होगा, 5 पर पावर 10, 5 पर पावर 10, ऑप्शन नंबर डी। नहीं हुआ, क्या आंसर दिए थे आप लोग? अच्छी द्वारा इतना रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में पूछता है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया, मूलधन दिया 10,000, मूलधन दिया है 10,000, इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए कितना होगा 1,000। लिख दीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, 1,000, 1,000, 2,000, 121 ही तो सीआई हुआ, 2100 सीआई कहां कहां है, एक नंबर तो गलत हो गया आपका, एक डी नंबर गलत, ये दोनों में है। अब क्या पूछता था, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ राशि ज्ञात कीजिए, राशि मतलब वो हुआ मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हुआ, इसमें इसको जोड़ दीजिए और क्या, इसमें जोड़ दीजिए 10,000 और ये वाला जोड़ दीजिए, तो 10,000 जोड़ दीजिएगा तो 12,100, 12,100, 10,000 में 2,000 दोगे 12,100, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए देखिए, ये कहता है साइन 45 + θ माइनस कॉस 45 - θ, देखिए सूत्र याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा माइनस कॉस साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी जब रहे, और साइन के साथ कॉस, सेक के साथ कोसेक और टेन के साथ कॉट, इसका मान हमेशा जीरो होता है, ठीक, इसका मान हो जाएगा जीरो, इसका मान हो जाएगा जीरो। चलिए 90 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कहता है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 है, कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये तो सब बना सकते हैं। ये कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये समद्विबाहु ये दोनों बराबर है, ये 4√2 है, ये भी 4√2 है, कर्ण कहता है निकालने के लिए, तो कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लीजिए ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट में 4√2 होल स्क्वायर प्लस 4√2 स्क्वायर, क्या होगा ये भी 32 हो जाएगा, यानी 8 इसका कर्ण हो जाएगा, कहां पर है कहीं नहीं दिख रहा है, तो चलिए ये भी होगा इनमें से कोई नहीं, ये भी होगा इनमें से कोई नहीं। अगला हम बढ़ते हैं, किसी संख्या x कितना में चुना गया, यानी x का मान कहता है 1, 2, 3 है, और y का मान कहता है 1, 4, 9 है, तो xy लेस देन 9 ज्ञात कीजिए, यानी पहले आपको एक्स वाई निकालना होगा, पहले एक्स वाई निकालना होगा, गुना करने जानते हैं कैसे गुना होता है, ये बता रहे हैं, अरे एक को लीजिए, आई तीनों से गुना कीजिए, इसको एक को लीजिए और तीनों से गुना कीजिए, एक गुना एक एक, एक गुना चार चार, एक गुना नौ नौ, एक से हो गया, 2 गुना 1 2, 2 गुना 4 8, 2 गुना 4 8, 2 गुना 9 18, 200 भी हो गया, 3 से, 3 गुना 1, 3 गुना 4 12, 3 गुना 9 27, ये हुआ। अब इसमें से देखना है कि 9 से कम कौन कौन है, 9 से कम वाला, तो 9 से कम जब जाते हैं तो एक ये है, एक यहां है, यहां है, क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 9 से कम 5 को हो गया, तो ये हो गया मेरा नंबर ऑफ e = 5, और टोटल क्या निकला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो नंबर ऑफ s इसको कहते हैं
9 गो, 9 गो ना। हाँ, अब इसका हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। यहां पी लिखा हुआ है, देखिएगा पी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो 9 से कम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, 5/9। इसका भी नन नन ही होना चाहिए, यदि गलती नहीं होगा कहीं गुना उना में तो नन ही होगा। अगला क्वेश्चन, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, एक टैंक एक सिलेंडर का आकार का बना हुआ है, सिलेंडर बेलनाकार ऐसे इस तरह से बना हुआ है सिलेंडर, जिसका सिरा पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। और देखिएगा यहां पर कहता है क्या, गड्ढा है, अर्धगोलाकार गड्ढा है, तो अर्धगोलाकार गड्ढा है, ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा है, ये नहीं होगा, ये जो है ना सिर्फ गड्ढा ऐसे है, वो लाइन दे देंगे तो नहीं लगेगा कि ऊपर ऐसे है, गड्ढा है ये, इस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिएगा, गड्ढा है, बेलन की ऊंचाई 1.45 है, ये जो बेलन का ऊंचाई है 1.45 है, और त्रिज्या इसका 30 सेंटीमीटर है, तो 30 में 100 से भाग दे दीजिएगा ना, ये 0.3 मीटर बन जाएगा। ये मीटर में था, इसको भी मीटर में ही रखना है, ये त्रिज्या जो है यहां से यहां तक 0.3 मीटर हो जाएगा। तो कहता है टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सतह का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करते हैं तो क्या होगा इसमें, बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल का जहां तक बात है, तो कुल सतह कीजिए वक्र सतह और नीचे का एक समतल सतह, और इधर गड्ढा वाला जो अर्धवृत्त हुआ है ना, अर्धगोला का सूत्र चलेगा, अर्धगोला गोलान बन गया, गड्ढा है तो, ठीक है, अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल चलेगा, वृत्त नहीं अर्धगोला, क्योंकि वो गड्ढा है कटोरा के जैसा, कटोरा का जैसा। चलिए निकालते हैं, देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, 2πRh बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया चारों तरफ, प्लस πR² प्लस प्लस हो जाएगा 4πR² होता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का 2πR², ऊपर गड्ढा है तो वो संपूर्ण जो होता है ना, तो समतल रहेगा, सेब जैसा, तब सेब जैसा नहीं है ये, वो खाली है ऊपर, ऊपर में खाली है, तो सतह का क्षेत्रफल जब कहा जाता है तो ये जो सतह का क्षेत्रफल है, तो ये कटोरा जिसे आप रख दीजिए ना, एक गिलास में एक ऊपर में कटोरी रख दीजिए, उस पर ढकने लायक कटोरी रख दीजिए, तो वो कैसा बनेगा, वो है गिलास में जब कटोरी रख दीजिएगा तो वही होगा, तो उस संपूर्ण में वो नहीं, ऊपर भरा हुआ रहता है ना, ऊपर जब भरा हुआ रहता है तब होता है वो 3πR², वो पूरा नहीं है, ये ऊपर खाली है, गड्ढा है, देखते हैं गड्ढा है, तब ये वाला लगेगा 2πR². चलिए अब इसमें 2 × 22/7 आर हो गया इसका 0.3, एच हो गया 1.45, प्लस पाई हो गया 22/7, आर हो गया 0.3 का स्क्वायर, प्लस कलर चेंज करना पड़ेगा हमको,
हाँ प्लस 2 × 22/7 × 0.3 का स्क्वायर होगा ये। अब देखिएगा 22/7 सम में है, 22/7 सम में है और 3 भी सम में है, 3 यहां भी इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में सम में है। तो 22/7 और 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3 कॉमन ही ले लिए थे, 2 से गुना कर देते हैं इसको, 5 × 2 = 10, 14 × 2 = 28, 29, 2 अंक के बाद दशमलव। गलती पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 22/7 0.13 यहाँ बच गया, 0.3 प्लस ये 1 × 3 यहाँ ले लिए थे, 22/7 भी ले लिए थे, 3 × 2 = 6, 0.6, 22/7 × 0.3 गुना इधर दशमलव के बाद सुनना बेकार होता है, 6 × 3 = 9, 9 × 9 = 18, बाकी 1 × 3। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल है, ना कहाँ कटेगा, ना होगा इसका, मीटर में तो बदल ही लिए थे, हाँ मीटर में बदल लिए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, पूरेगा नहीं, ये भी नहीं पूरेगा, ये भी नहीं पूरेगा, 2 के बाद दशमलव होगा, पाए में आंसर नहीं है, पाए में आंसर नहीं है, नन हो जाएगा। एक टैंक एक सिलेंडर यदि ये नीचे खुला रहता ना तो सिर्फ ये वाला नहीं होता था, तब ये वाला नहीं होता, नहीं कुछ नहीं होगा वो। चलिए 93 है, 3 बिंदु दिया हुआ है, संरेख, संरेख है 3 बिंदु, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, संरेख जब होता है, संरेख का मतलब हुआ तीनों बिंदु एक रेखा में, इसका इसका M1 और M2 मतलब ये संरेख है, तीनों बिंदु जो है ना संरेख है, तो बराबर कर दीजिए y2 − y1 / x2 − x1 = y2 − y1 / x2 − x1। दूसरा ये y2 − x1 = 0, ये ढाल का सूत्र है y2 − x1 / x2 − x1 बटा b − 0 / याद रखिएगा ये सूत्र कोऑर्डिनेट का है, ये हो गया −2/1 = b/a, कोना कोनी गुना कीजिएगा होगा b = 2a, ऑप्शन नंबर डी, ये कोऑर्डिनेट का सूत्र है ढाल का, जब तीन बिंदु बराबर होता है, तीनों संरेख होता है, एक ही रेखा में जब तीनों बिंदु होता है तो ढाल बराबर होता है, ढाल का सूत्र होता है y2 − y1 / x2 − x1। ये अगला है द्विघात से, द्विघात से क्वेश्चन है ये, देखिएगा 1/α + 1/β,
वन बटे अल्फा प्लस वन बटे बीटा, तो इसको लघुत्तम लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों के योग में मूलों के गुणनफल से भाग दे देना है। बताए थे इसी क्वेश्चन में, इसी सेट में बताए थे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस तीन बटे चार बटा चार, चार चार कट गया, आपका आंसर हो जाएगा माइनस तीन बटे सात, माइनस तीन बटे सात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिक्स सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो 22 बटे 7, आर दिया हुआ है 6 गुना 60 बटे 360, 0 0 कटा 36 कटा, 22 6 132 बटे 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, इसकी वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर है, वृत्त की परिधि पता है 2πr और वर्ग का परिधि 4a, अरे परिधि वही परिमिति, परिधि परिमिति, ठीक है, दो दूनी 4, काट तोड़ना है 22/7 r बराबर 2a, 11 दूनी 22, ये हो गया आपका 11r बराबर 7a, यानी 7:11, r का मान 7 हो गया, का मान 11 हो गया, आंसर ये पूछता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल πr² वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 7 कट गया, 11 दूनी 22 कट गया, 14 11, ये भी आरएस अग्रवाल का सेम प्रॉब्लम है, ये भी आरएस अग्रवाल का सेम प्रॉब्लम है क्षेत्रमिति का। अब बोलते हैं अभी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, 14 11 है ऑप्शन में, है तो ये नंबर बी, यहाँ उल्टा भी दे देता है कभी कभी, जैसे ऊपर पहले वृत्त दिया वर्ग में बाद में वर्ग, यहाँ पूछ दिया वर्ग और वृत्त। अगला है, विभाग के लिए दिया हुआ है ए का मान और बी का मान, तो कहता है कि इसको व्यक्त करता है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा ये चीज, विघात में क्या होता है, विघात में एक्स का मान होता है वही अल्फा और बीटा होता है, एक्स का मान ही अल्फा और बीटा होता है, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा -2 और बीटा बराबर हो जाएगा -3। अब द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों जुटेगा, यानी जुटेगा -2 और -3, एक्स प्लस -2 इंटू -3 बराबर 0, x² माइनस ये -5, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये गुना होके भी प्लस बन जाएगा, ये 3 दूनी 100 बराबर 0, इधर गया, हो गया समीकरण +6 बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अरे 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, एक वर्ग लेते हैं जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है, और एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है, एक अंदर वृत्त बनाना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो यदि भुजा इसका 10 है,
इसका जो त्रिज्या होगा ना वो आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका भुजा व्यास बनता है, इसका व्यास होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या निकला तो क्षेत्रफल निकल जाएगा वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई में ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई, 25 पाई आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे जो दो सौ केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 4 और 5 है, दो सौ केंद्रीय वृत्त ऐसे बनेगा, दो सौ केंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, त्रिज्या 4 और 5 है दोनों का, एक का 5 4 5। कहता है ध्यान दीजिए, अब एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई क्या होगी जो दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है, ये भी सेम प्रॉब्लम है सेट का, सेम प्रॉब्लम है, एक ऐसा जीवा खींचना है तो दूसरे वृत्त को स्पर्श करे, बड़ा वृत्त का होना चाहिए, देखिए स्पर्श रेखा एकदम डिजिट सहित, सेम प्रॉब्लम है डिजिट सहित आप ज्योमेट्री निकालिएगा तो ये गौर कीजिएगा, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, इसको आप इसको भी मिला दीजिए, इसे बढ़िया से ऐसे मिला दीजिए, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये 4 यहां तक है, ये त्रिज्या यहां, ये वाला 4 होगा यहां से यहां तक, ये 4 हो गया त्रिज्या, 4 वाला नहीं लीजिए 5 वाला लीजिए, हाँ 5 वाला तो निकलवे नहीं करें, इसको ऐसे मिला दीजिए, काम कीजिए इसको यहां मिला दीजिए, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, ये याद रखिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, ये लंब हो गया, ये लंब जब हो गया, ये 4 है तो पूरा ये 5 है, ये त्रिज्या 4 है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, ऐसे ऐसे बन गया इस तरह से समकोण त्रिभुज, देखिए ये बना हुआ है इस तरह से, ऐसे हुआ ना, ऐसे ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, ये कितना होगा 3, ट्रिपलेट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ने से 5 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 4 है, ये 5 है, तो निश्चित रूप से ये 3 होगा, तो ये भी 3 होगा, क्योंकि दो बराबर भाग बांटता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है, फिर से सुन लीजिए क्या बोले, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है और स्पर्श रेखा को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी 3 3 हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातकों का योग क्या होगा, पावर का योग पूछ रहा है, 196 का खंडन कर दीजिए, 2 9 18 16, 2 4 8, 2 9 18 7 49, ये 2 पर पावर 2, 7 पर पावर 2, तो कहता है क्या, घात का योग, पावर का योग ज्ञात करना है, पावर का योग ज्ञात करना है आपको, पावर का योग ज्ञात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज एबीसी एडीबीसी पर लंब है, एडीबीसी पर लंब है, इसी पर लंब है, तो कौन सा सत्य, अच्छा ऑप्शन से देखना है, याद रखना ही तो ऑप्शन से, ये गलत होगा और ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये 3ab² बराबर 4ad² याद रखिएगा, फॉर्मूला यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा, लॉन्ग इसका सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट थ्योरम याद रखिएगा, यदि यदि समबाहु त्रिभुज में, इस समबाहु त्रिभुज में एडी लंब हो, एडी लंब हो बीसी पर, तो हमेशा रिलेशन होता है 3ab² 3ab² बराबर 4ad², याद रखना है इसको, बहुत बार पूछ चुका है। एक ठोस लंब वृत्ता शंकु की ऊंचाई के मध्य से दो भाग में आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है, देखिए क्या कहता है, एक शंकु है, इस शंकु को
मध्य दो भाग में काटा जाता है आधार के समानांतर, ऐसे यहाँ बीचों बीच से यहाँ से काट लिया, एक और शंकु बन गया, ये काट लिया ना, एक और शंकु बन गया है ना। इसके बाद अब अपने मन से इसको मिला दीजिए आप, तो इससे समरूप बन जाता है। जब इस शंकु को काटेंगे ना कहीं से तो दो समरूप शंकु बन जाता है, समरूप त्रिभुज बन जाता है, ये जो ये हुआ और ये बड़का त्रिभुज, ये बड़का, ये दो समरूप त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं वहां पर बोल रहे हैं हम, ये जो एक ये हुआ ये वाला, ये बड़का ये वाला हुआ, ये दो समरूप त्रिभुज होता है। अच्छा, इसमें काटा है क्या, मध्य में काटता है, यहाँ बराबर में एक अनुपात एक, जब समरूप है, समरूप का गुण जानते हैं क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, अनुपातिक भुजा बराबर होता है, तो कौन ये वाला और बड़का, ये पूरा बड़का एक, और यहां बताइएगा ये कितना होगा, ये टोटल दो, ये एक हुआ, ये एक ही एक टोटल दो, एक कहां से लाए, बराबर था, पूरा दो हो गया, यानी दोनों में रेशियो हो जाएगा एक दो का, ये भी तो, ये भी एक और बड़का का हो जाएगा दो, ये भी एक, एक दो हो जाएगा, इसका त्रिज्या भी एक दो हो जाएगा। तो क्या पूछता है, यानी हाइट का और त्रिज्या का जो रेशियो होगा एक अनुपात दो, तो आयतन का अनुपात पूछता है। तो पहले छोटा आयतन निकालेंगे, छोटा आयतन जब निकालेंगे एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता सूत्र आयतन का, तो एक बटा तीन पाई तो दोनों में आएगा, कट ये जाएगा, आर स्क्वायर सिर्फ करना है, एक का स्क्वायर एक और एक अनुपात, फिर दो का स्क्वायर और दो, यानी एक अनुपात आठ। चलिए, जब भी ऐसे रेशियो एक अनुपात दो का दिया हो, आयतन जब भी पूछे तो क्यूब कर दीजिए, क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर कर दीजिए, यही इसका शॉर्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपया का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को इतना रुपया निवेश करने पर 65 रुपया का लाभांश प्राप्त होता है। यहां पर समझना पड़ेगा, कहता है कि 5% मूल्य, 100 रुपया का 5% का बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए इसमें पूछ रहा है। तो 100 रुपया वाला ये जो परसेंटेज में होता है लाभ होता है, परसेंटेज में जो होता है वो हमेशा लाभ होता है, ये लाभांश में ध्यान देना होगा आपको, वो परसेंटेज में लाभ होता है। यहाँ स्टॉक लिखा रहना चाहिए था, नहीं भी लिखा हुआ है, ये लाभ रहता है। 100 रुपया का 5% कहता है, 100 रुपया पर 5% लाभ होता है, यानी 100 में 5 इसको लाभ होता है, तो 5 लाभ होगा तो 5 रुपया लाभ हुआ इसको 100 में, ठीक है, 100 में 5 रुपया लाभ हुआ। अब कहता है कि किसी व्यक्ति 1430 रुपया निवेश करता है, करने पर 65 रुपया टोटल लाभ कमाता है, 65 रुपया टोटल एक शेयर पर, एक शेयर पर 5 रुपया का लाभ होता है, एक शेयर पर रुपया लाभ कमा लिया है, कितना शेयर खरीदा होगा, एक शेयर पर 5 रुपया लाभ हो रहा है, 65 रुपया वो लाभ कमाया है लाभांश, तो कितना शेयर खरीदा होगा जिससे 65 रुपया उसको लाभ हुआ। संख्या, अरे शेयर वस्तु मान लीजिए, शेयर नहीं जानते हैं, वस्तु मान लीजिए, अभी समझाएंगे नहीं है ना विस्तार रूप से, मान लीजिए वस्तु, एक वस्तु खरीदा, रेट है उसका 5 रुपया है ना, 5 रुपये किलो दे रहा है या 5 रुपया में एगो दे रहा है, तो 65 रुपया उसको कमाना है, 65 रुपया कमाना है, जबकि एक वस्तु पर 5 रुपया कमा रहा है, क्या वस्तु खरीदेगा, करेगा भाग दे देंगे, शेयर की संख्या 65/5, 13 शेयर वो खरीद लिया, अब 13 शेयर खरीद करके, यानी 13 रुपया, 13 शेयर खरीदने का मतलब है कि एक शेयर के लिए, एक शेयर के 13 बाजार मूल्य है ना, 13 रुपया निवेश करना पड़ रहा है एक शेयर के लिए, इतना रुपया निवेश किया है
कितना बाजार मूल्य होगा जो 1430 रुपया लग गया, किस रेट से खरीदा होगा 13,000? तो बाजार मूल्य बराबर 1430 में 13 से भाग दे दीजिए, 13 का 13 13 का 13, यानी 110 रुपया उसका बाजार मूल्य होगा। 110 रुपया के रेट से 13 शेयर खरीदा हो, जिससे कि उस टोटल रुपया निवेश करना पड़ गया 1430। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है इतना 8 से विभाज्य है, एन का मान क्या होगा? एन का मान पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एन का मान पूछ रहा है कि क्या 8 से विभाजित नहीं निकाल से? मान रख के देखिए ना, एन का एक एक से शुरू करके एन का मान रखिए किससे विभाजित होता है। एक रखिएगा, यदि बताइए, यदि एन का मान एक रखिएगा क्या हो जाएगा? हालांकि देखिए पूर्णांक भी है, जो जीरो भी रखना पड़ेगा, जीरो तो एक होगा, एक घटा एक जीरो, 8 से विभाज्य है, तो एक रखिएगा तो एक एक दो, दो दो का स्क्वायर 4 घटा 1 4 घटा 1, इसे कटेगा नहीं, यानी एन का मान एक रखे तो गलत हो गया। ठीक है, एक रखे तो गलत हो गया। अब पूर्णांक में क्या आता है? पूर्णांक में तो जीरो भी आ जाता है, एक भी आ जाता है। ठीक है, तो पूर्णांक कहने का मतलब होता है कि जितना भी पूर्णांक है सब सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसलिए पूर्णांक नहीं होना चाहिए। सम संख्या, सम रख के देखते हैं, 2 1 3 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 9 घटा 1 8, सम रखे तो कट गया। विषम रख के देखते हैं, विषम में तो देख ही लिए थे, नहीं कटाई भी गलत हो गया, प्राकृत में भी गलत हो जाएगा, प्राकृत में भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृत से नहीं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी बोर्ड ये बोर्ड गुताहा है ना, क्या करता है, जैसे प्राकृत क्या ना कहेगा, 2 से तो कटा ना, 2 एक प्राकृत संख्या है, अरे 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 1 से अधिक, ऐसा 1 से अधिक है नहीं, नहीं वो नहीं होगा ही नहीं, नहीं, ये तो 100% तब होगा बी नंबर, 1 से अधिक रहता ना इसमें, तब डाउट था 1 से अधिक वाला, लेकिन नहीं है। चलिए ठीक है, आंसर 100% तब बी होगा। अगला क्वेश्चन है, गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जानते हैं लीप वर्ष, अरे लीप वर्ष गैर लीप वर्ष हुआ 366 दिन का लीप वाला, गैर लीप होता है 365 दिन का, गैर लीप जो लीप नहीं है 365 दिन का, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 365 में 7 से पहले भाग दीजिए, क्योंकि टोटल दिन 7 ही होता है, टोटल 365 में 7ों दिन कितना बार आता है, 7 से भाग दे दीजिए, 7 5 35, 14 1, यानी 52 52 दिन ऐसा है, 7ों दिन 52 बार आता है, यानी कहिए 52 सप्ताह, 52 सप्ताह कहिए, 7ों दिन 52 बार आता है, एक दिन फुटक जाता है वही आएगा 53 बार, एक दिन बच जाता है ना, एक दिन बच जाता है, सप्ताह हो करके एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो वो जो एक दिन बचा उस साल वो दिन 53 बार आएगा, जो 1 तारीख को आएगा वही 31 तारीख को लास्ट में एक्स्ट्रा होगा, तो वो 53 बार आएगा, तो एक जो बचा आप जानते हैं कि सोमवार बचा कि मंगल बचा कि बुध बचा, नहीं जानते हैं, इतना तो जरूर जानते हैं 7 गो में से कोई आएगा। अरे नहीं समझे बात को, ये जो 52 सप्ताह हुआ तो 7ों दिन बराबर बराबर हो गया ना, 7ों दिन बराबर बराबर हो गया, अब अगला जो एक बचा कौन सा दिन बचा ये नहीं जानते हैं, लेकिन जब भी लास्ट में बचा होगा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 7ों दिन में से कोई, इसी इसी का कहता है कि 53 रविवार आने का, 53वां, यानी एक एक्स्ट्रा बढ़ा, 53 रविवार होने के लिए उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 7 दिन में से कोई एक दिन रविवार तो होगा, इसीलिए इसको कहते हैं 1/7,
सात हो गया, सात दिन में से एक दिन। अगला क्वेश्चन, ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना, माध्य जानते हैं प्राकृत संख्या का, अरे प्राकृत संख्या का योग जानते हैं ना, एन प्लस वन बाय टू, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, क्या हुआ प्राकृत संख्या का योग, एन से भाग दे दीजिए ये माध्य हो गया, और यही माध्य दिया हुआ है थ्री एन बाय फाइव, पुनः गुना कर दीजिए, फाइव एन प्लस फाइव बराबर सौ एन, इसको इधर घटा दीजिए एन बराबर पांच, एन बराबर पांच। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के ग्यारहवें पद का ग्यारह गुना, अरे पद का सूत्र याद कीजिए ना, एनवा पद का सूत्र याद कीजिए, यह नहीं होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। अब ग्यारहवां पद, ग्यारह में एक घटा देंगे क्या होगा दस, तो डायरेक्टली लिखेंगे ग्यारहवां पद का मतलब हुआ ए प्लस दस डी, नहीं ग्यारह घटा एक का ग्यारह गुना कहता, इसमें ग्यारह गुना कर दीजिए, फिर कीजिए चुपके से कर दिए, फिर उसे सातवें पद मतलब ए प्लस सिक्स डी, इसमें कहता है सात गुना कर दीजिए तब दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिए फटाक से, ग्यारह ए एक सौ दस डी, सात ए सात ए सौ सत्ते पैतालीस डी, सचर ग्यारह बयालीस में इधर कट जाएगा प्लस एन होगा, हाँ एक सौ दस में बयालीस कट जाएगा आठ, सचर ग्यारह तो बराबर छोटी बराबर जीरो, उधर जीरो बच गया, सबको उधर लपेट लिए, चार से कटा दीजिए, ए प्लस सत्रह डी बराबर जीरो, चलिए पता चल गया, पता चला एन कितना हुआ, एक घटा के वहां होता है जितना रहता है, जैसे ग्यारह वहां हुआ तो दस एन लिखे थे, ये आया सत्रह डी, मतलब क्या पद था अठारह पद के लिए सत्रह डी हुआ होगा, सत्रह सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए ये टेन और कॉट, टेन कॉट जब बराबर होता है, जब टेन कॉट में, जब टेन कॉट बराबर हो ए प्लस बी इक्वल टू नाइनटी कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री, ए प्लस 30 प्लस ए बराबर 90, 2a घट गया उधर 60, 30 दुनी 60, ए बराबर 60 डिग्री, इधर गया ए बराबर 60 डिग्री, गलती नहीं हुआ, तीस सॉरी कटा के तीस में आया, तो ये बराबर साठ डिग्री करते, ये बराबर तीस डिग्री हुआ, गलती लग जाता है, निकाले यहाँ तीस लग गया साठ में, तीस होगा तीस, ये देखिए ये किसमें किसमें होता है ये काम, टेन कॉट साइन कॉस जब रहेगा यहाँ, और सेक कोसेक बराबर है, एंगल को जोड़ के 90 डिग्री कर दीजिए। अगला है, प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, अरे ऊंचाई और छाया जब बराबर रहता है ना, एंगल हमेशा 45 से होता है, ऐसा 45 होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये पी एक अभाज्य संख्या है, तो लघुत्तम समावर्त इतना 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 है, यानी इसका लघुत्तम क्या होगा जबकि पी एक अभाज्य संख्या, आपको पता है जब आप लघुत्तम निकालते हैं तो जो जिसको सब काट दे वही लघुत्तम होता है, तो आप कहिएगा लघुत्तम होगा तो पी को कौन काटेगा बताइए, इगला काटेगा नहीं काटेगा, जिसको सब काट दे वो, और भी छोटा से छोटा, जैसे ये इसको तो सब काट देगा सबसे छोटा, ये गलत हो गया, ये पी स्क्वायर इसको तो ये वाला नहीं काटेगा इसलिए गलत हो गया, पी इसको तो नहीं है काटेगा गलत हो गया, इसको सब काटेगा, पी भी काट देगा, पी स्क्वायर भी काट देगा और क्यू भी काट देगा। चलिए आपका यह आंसर हो गया
बस पूरा आपका मैथ पूरा सॉल्यूशन कर दिए हैं, और जो भी शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए, शेयर इस सेशन को कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।